हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता। आप देख रहे हैं टेक गोविंद यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास इस तरीके का ड्रोन है, DJI Air 3 या फिर DJI Air 2S या फिर Mini 2, तो उसमें इस तरीके का कंपास कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड मांगता है और ये कब मांगता है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये एरर जब आता है, जैसे कि आप अपने ड्रोन है आपका और आपने जो ड्रोन है वो ऑन कर लिया है और ड्रोन के आगे जैसे आप अंधेरा होता है तो यहाँ पर ये कंपास कैलिब्रेशन मांगता है। तो इसको आपको कंपास कैलिब्रेशन किस तरीके से करना है वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है, इसे आप नॉर्मली आप इसे हटा सकते हो। अगर फिर भी ये नहीं हट रहा है तो इसको किस तरीके से हटाएंगे, इस वीडियो में आपको मैं दोनों तरीके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे पास है DJI का DJI Air 3 ड्रोन। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने इसके सामने ड्रोन के सामने एक पॉलीथिन रख दी है ब्लैक वाली। तो ड्रोन के सामने अंधेरा हो चुका है और यहां पे इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए ये कंपास कैलिब्रेशन मांग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पर भी यहाँ पर आ रहा है। एक तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से हटा करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी देर बाद ये कंपास कैलिब्रेशन हट जाता है। अगर कभी कभार नहीं हटता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे हट चुका है कंपास कैलिब्रेशन। तो इसका ये अगर आप डार्क में अंधेरे में ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके का एरर आता है। अगर आप अब जब भी कभी ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा उजाला होना चाहिए तो ये कंपास कैलिब्रेशन नहीं मांगेगा। और यहाँ पर मैं दोबारा से इसके सामने यहाँ पर एक पॉलीथिन रख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे कंपास कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे भी ये द्वारा मांगने लगा है। अगर यहाँ पे ये पॉलीथिन हटाने के बाद भी नहीं ये एरर हट रहा है तो आपको किस तरीके से कंपास कैलिब्रेशन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपास कैलिब्रेशन और यहाँ पे कैलिब्रेशन पे इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कैलिब्रेशन वाले पे यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर ओके कर दें। कैलिब्रेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि यहाँ पे बता रहा है रोटेट एयरक्राफ्ट 360 हॉरिजेंटली। इस तरीके से आपका जो ड्रोन रखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री हॉरिजेंटली आपको यहाँ पे इसे घुमाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रोन रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रोन को घुमाना है, इस तरीके से आपको ड्रोन को घुमाना है यहाँ पे। इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या मैसेज शो होता है। यहाँ पे एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है अभी इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस घुमाने के बाद हॉरिजॉन्टली घुमाना है आपको, वर्टिकली घुमाना है। पहले हॉरिजॉन्टली घुमाया था, अब इस तरीके से आपको ड्रोन को घुमाना है। यहाँ पे इस तरीके से रिमोट ड्रोन को उल्टा कर देना है, फिर दोबारा से यहाँ पे सीधा कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैलिब्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो ड्रोन है उसको यहाँ पर कंपास कैलिब्रेशन है वो इस तरीके से कर सकते हो। और हमारा जो ड्रोन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं, पहले आपको इस तरीके से घुमाना है ड्रोन को, इस तरीके से पहली बार में इस तरीके से, और फिर दोबारा में आपको इस तरीके से घुमाना है, जैसे इस तरीके से उल्टा करके, और फिर आपको दोबारा से सीधा कर देना है, तो आपका जो कैलिब्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ड्रोन का जो एरर है ये दो तरीके से हटा सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।